खबर बस्ती से है। बस्ती जिले के सोना थाना के नरखोरिया बाजार में नकली नोट छापने वाले दो अभियुक्तों को पुलिस ने अरेस्ट किया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 42,400 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। इसके अलावा नकली नोट बनाने के उपकरण, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, पेपर कटर, 18 पेज अर्ध निर्मित नोट बरामद हुए। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने नरखोरिया बाजार से बाइक सवार दो युवकों को संदिग्ध मानकर रोका। जब उसने पुलिस से पूछताछ की तो वो हड़बड़ा गए। पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली तो 9500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। कल 9 अप्रैल की रात में 8 बजे अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान के तहत सोना पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है। इन्होंने दो अभियुक्तों को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया, जिनके पास से नकली नोट बरामद हुए। बाद में पूछताछ करने से इन्होंने बताया कि इंटरनेट में किसी खबर को पढ़ करके इनके दिमाग में आइडिया आया और इन्होंने अपने पास रखे हुए स्कैनर, प्रिंटर और लैपटॉप के माध्यम से कुछ नोट, नकली नोट छापे और उनको मार्केट में चला करके देखा। जब वो नोट चल गए तो उसी संबंध में उनके द्वारा करीब 52,400 रुपये के नोट, जो 500 और 200-200 रुपये की मुद्रा में थे, छाप करके आज रात में उसको मार्केट में चलाने का प्रयास किया जा रहा था। उनके कब्जे से ये 52,400 रुपये के नकली नोट बरामद कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 90 नोट जो अध छपे हैं वो भी बरामद किए गए हैं और जो प्रिंटिंग की सामग्री है जैसे लैपटॉप, स्कैनर और प्रिंटर, इसको भी बरामद कर लिया गया है। इन्होंने पूछताछ में किसी अन्य साथी के होने की सूचना नहीं दी। इतना अच्छा कार्य करने के लिए पूरी सोनाहा की जो टीम है जिसने ये कार्रवाई करी, उनको 10,000 रुपये का इनाम मेरी तरफ से दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ भारत।